इनके लब रंगी की मिठावर थी के जिसने। अच्छा जी, ये आईडी पता नहीं अफजल जो भी हैं, इन्होंने एक मैसेज भेजा है कि रमज़ान की मुबारकबाद के ताल्लुक से। एक बहुत ज़्यादा मैसेज वायरल होता है कि रमज़ान जो है वो 13 अप्रैल से शुरू है, और हुजूर ने फरमाया कि जो भी रमज़ान की मुबारकबाद सबसे पहले देगा उस पर जो है वो जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। तो अव्वल तो ऐसी कोई भी यानी हदीस नहीं है, ये फ़कत हुजूर पाक के ऊपर एक तरीके से झूठा इल्ज़ाम लगाने वाली बात है, और वो भी जानबूझकर। यानी बाज़ लोग तो ये चीज़ जानते भी हैं कि ऐसी हदीस नहीं है, लेकिन वो फिर भी कि चलो कोई नहीं, अच्छी नीयत से अच्छी बात को शेयर कर सकते हैं। तो हर अच्छी बात जो है वो हदीस नहीं होती, अच्छी बात को आप जनरली अच्छी बात के नाम से भी शेयर कर सकते हैं, उसको हदीस का नाम देना या हुजूर का नाम देना ये जायज़ नहीं है। इसी तरीके से अगर किसी के पास इस किस्म का मैसेज आता है तो आप उसको रिप्लाई में ये मैसेज कर सकते हैं कि झूठों पर अल्लाह की लानत हो, इस तरीके से आप उसको रिप्लाई करें। अगर कोई इस तरीके का मैसेज भेजे कि भाई हुजूर ने फरमाया रमज़ान की मुबारकबाद पहले देंगे तो जहन्नम जो है वो उस शख्स पर हराम हो जाएगी, तो ऐसी कोई हदीस नहीं है। और अक्सर सोशल मीडिया पे इस किस्म की जो है ना फेक हदीसें चलती हैं, जैसे कि उसका चेहरा नूर हो जाए जिसने ये मैसेज को आगे बढ़ाया है, इस किस्म की बातें। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना भी चुका हूँ, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे सिकंदर वारसी अबाउट व्हाट्सअप सोशल मीडिया फेक हदीस, या फिर सिकंदर वारसी अबाउट व्हाट्सअप हदीस या फेक हदीस, इसके नाम से अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगी कि इस किस्म की कोई बात नहीं है, बल्कि हुजूर ने फरमाया कि जो मुझ पे झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जो है वो जहन्नम में बना ले। तो ऐसे लोगों को तो ज़्यादा डरना चाहिए कि हुजूर ने वईद की है ऐसे कि जो हुजूर पाक पर झूठ बांधते हैं, जबकि ऐसी कोई हदीस मौजूद नहीं है। हाँ, रमज़ान की मुबारकबाद देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रमज़ान आए जब मुबारकबाद अगर एडवांस में देने वाली है तो फ़कत एक साल की देने से क्या फ़ायदा, आइंदा तमाम सालों की मुबारकबाद दी जाए तो ये हदीस ना तो आगे बढ़ाई जाए ना तो इस पर एतबार किया जाए। और जो आपको इस तरीके की हदीसें भेजता है आप उसको ये लाइन लिख के भेज सकते हो कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। पुरन वार।